दोस्तों मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, वेन डायग्राम से प्रश्न जो है आपको अक्सर जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे होगी आपका बैंकिंग रेलवे में आपको अक्सर जो है ना देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का प्रश्न को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को जर्रा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी जो है जाकर आपको समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो सारे टॉपिक मैथ में जो है पूरे सिलेबस कवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। पूरा चैप्टर जो है ना फ्री में पढ़ाया जा रहा है, पूरे यूट्यूब पर जो है ना डाला जा रहा है। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो बहुत ही वाकई में बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपको। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका बोलता है निम्नलिखित जानकारियों को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दे। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। कितना व्यक्ति है? टोटल 70 व्यक्ति है और इसमें 52 अंग्रेजी बोलने वाला और 26 फ्रेंच बोलने वाला। तो बोलता है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं और कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो कैसे हम इसको जो है निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है दो चीज के बात बोल रहा है। यहाँ जो है अंग्रेजी पढ़ने वाला बोल रहा है और फ्रेंच पढ़ने वाला बोल रहा है ना, और टोटल जो है व्यक्ति कितना है, 70 व्यक्ति है। तो देखिए दो डायग्राम बनाएंगे, दो सर्किल बनाएंगे। यहाँ देखिए 70 व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति कितना है हमारा, 70 है। हमारे पास 70 व्यक्तियों का कलेक्शन है। अब देखिए 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश कितना बोलता है, 52, और 26 जो है ना अंग्रेजी फ्रेंच बोलता, 26 कितना बोलता है, 26 जो है क्या बोलता है, 26 फ्रेंच बोलता है। अब उसके बाद जो है ना बोलता है कि यहाँ जो है ना केवल अंग्रेजी और केवल फ्रेंच बोलने वाला स्टूडेंट कितना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो और उसके बाद जो है ना दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो है ना केवल निकालना है और दोनों को निकालना है, तो हमको कुछ नहीं मालूम है। तो देखिए ये 26 है, ये 26 है ना पूरा फ्रेंच हो गया, तो अंग्रेजी भी अंग्रेजी में भी आ जा रहा है और अंग्रेजी जो बोल रहा है वो फ्रेंच में भी आ जा रहा है। यहाँ पर केवल की बात है, क्या बोल रहा है ना, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले की संख्या और सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या और दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम बीच वाला को x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे ना। तो 52 जो अंग्रेजी बोलता है, तो ये जो है 52 में से हम इसको घटा देंगे तो केवल अंग्रेजी बोलने वाला इतना ही बचेगा। फिर उसके बाद देखिए 26 जो फ्रेंच बोल रहा है, इस 26 में से x को घटा देंगे तो केवल फ्रेंच बोलने वाला बच जाएगा और x जो होगा ये जो ना दोनों बोलने वाला होगा। अब देखिए ये जो है 52 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी की संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल मेरे पास कितना है, 70 व्यक्ति है, 70 हो गया। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया और 52 और 26 कितना हो जाएगा, 78 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 70। अब देखिए 78 है प्लस 70 इधर आ गया, हो गया माइनस, हो गया माइनस एक्स उधर जाकर प्लस हो गया तो 8 हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 8, यानी कि दोनों बोलने वालों की संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 52 में से 8 को घटा दीजिए, 52 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में से 8 को घटा देंगे तो 44 हो जाएगा, 26 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में से 8 को घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब फिर देखिए कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हो गया 44। फिर उसके बाद देखिए कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों बोलने वालों की संख्या 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरह से जो है ना ऐसे हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से और प्रोसेस भी है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन जो है ना आप लोग खुद से बना सकते हैं, लेकिन देखिए बता देते हैं फिर। 70 व्यक्तियों के समूह में 40 लोग चाय पीते तथा 50 लोग कॉफी पीते, तो दोनों पीने वालों की संख्या ज्ञात करना है। वैसा ही सेम टू सेम
एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहां भी जो है ना डबल जो है डायग्राम बनेगा, डबल सर्किट बनाएंगे और जो है ना दोनों पीने वालों की संख्या निकालना है तो कॉमन करना पड़ेगा, इसको जो है ना एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। तो देखिए 70 व्यक्ति है, टोटल हमारे पास 70 व्यक्ति है और जो है ना यहाँ 40 लोग चाय पीते हैं, तो 40 लोग जो है ना चाय पीते हैं, टी पीने वालों की संख्या कितना है 40। केवल नहीं बोला कि केवल 40 लोग चाय पीते हैं, यहाँ पर टोटल बोला है चाय पीने वालों की संख्या 40 है। तो यहाँ पर जो है अगर हम मिला दिए तो ये चाय जो पी रहा है वो उधर जो है कॉफी भी तो पी सकता है ना, उधर घुस गया है। तो देखिए और 50 लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने वालों की संख्या कितना है 50 को, तो दोनों पीने वालों की संख्या निकालना है तो हमको मालूम नहीं है, एक्स मान लिए। अब देखिए 40 में से एक्स को हटा देंगे तो हमारा जो है टी पीने वालों केवल चाय पीने वालों की संख्या निकल जाएगा, और 50 में से अगर हम एक्स को हटा देंगे तो केवल कॉफी पीने वालों की संख्या मालूम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए टोटल जो है ना निकाल, टोटल जो है हमारे पास जो व्यक्ति है वो 70 है, तो सभी को हम ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो देखिए 40 माइनस एक्स तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसे 40 50 कितना हो गया 90 माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 70। अब देखिए 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों पीने वालों की संख्या कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये हो गया आंसर।